आपने सारा को कॉल क्यों नहीं की? मुझे क्यों कॉल की? वो भी रात के इस टाइम? मैं उनका फोन कैसे वापस करूं? लगता है बहुत ही मासूम है, अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं लगाया हुआ। ऑडिशन के बाद चलोगी ना बाबा के आस्ताने पे? आशित, तुम्हें पता है मैं घर में ये बातें नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, पैसे याद से रख लेना। तुम्हें पता ना, पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं होता। ज़हन में रखना ये बात। मुझे आपकी इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे मेरा फोन वापस कर दें ताकि मैं अपने घर चली जाऊँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैं कल आपके साथ चली गई थी क्योंकि कोई मजबूरी थी। बाबा, इसकी ना शादी का मसला है। क्या हुआ? मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है या मुझसे कोई गलती हुई है? बाबा कह रहे हैं इन्हें अपना मसला खुद बताने दें, आप खामोश हो जाएं। पापा, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। वो मेरा दीवाना है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। नाम? पता नहीं मुझे उसका नाम बताना चाहिए भी या नहीं, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। नीलम, ये सारी चीजें यहाँ आने से पहले तुम्हें बोलनी चाहिए थी ना। यहाँ के जात आ रहा है तुम्हें। नाम बता। ठीक है, मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई किसी तकलीफ में आ जाए। किसी मुसीबत में नहीं आता, सिर्फ उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म करेगा पापा। तुम चाहती हो या नहीं चाहती? चाहती हो ना यही? तो फिर बोलो, नाम बताओ पापा। नाम सलमान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना, तुमने तो बताया भी नहीं था कि आज तुम्हारा कोई ओवर टाइम वगैरह है। देर क्यों हो गई? कोई इत्तला भी नहीं दी तुमने देर से आने की। आप भूल गई ना, मैंने आपको बताया था कि उस शख्स की गाड़ी में मेरा फोन रह गया। वही फोन लेने के लिए मैं बस स्टॉप पे बहुत देर तक वेट करती रही और देर हो गई। तुम्हारा फोन मिल गया? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुबह मुझे याद था कि तुम्हारा फोन खो गया, इसलिए मैंने बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह उस शख्स के दिल में रहम डाल दे और वो तुम्हारा मोबाइल वापस कर जाए। अरे वाह मीना, दिखाओ। हाँ, मिल गया तुम्हारा फोन। भाई, अब तो मैं भी शुक्राने के नफल अदा करूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीना। मुझे लगता है कि वो कोई बहुत अच्छा शख्स था जिसने तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दिया। और देखो, फिर फोन देने के लिए वो वापस उसी जगह पर आया जहाँ पे से उसने तुम्हें लिफ्ट दी थी। हाँ भाई, मुझे लगता है कोई बहुत ही भला इंसान है, वरना आजकल लोगों का दीन ईमान थोड़ी है, कोई चीज मिल जाए वापस ही नहीं करते। मीना, वो शगुफ्ता भी तुम्हारे साथ आई है? नहीं अम्मी, शगुफ्ता फैक्ट्री की गाड़ी में चली गई थी। असल में उस दिन बहुत ख्वार हुई थी ना मेरी वजह से, तो मैं नहीं चाहती थी कि फिर से बेचारी परेशान हो। तुम्हारी हक हलाल की कमाई थी ना मीना, इसीलिए फोन वापस मिला है तुम्हें। भाई, आपने कल फरी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या कर दिया मैंने? अगर उसने आपके फोन पे कॉल कर ली थी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? और आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसे आपसे सॉरी कहना पड़ा? दानियाल, बहुत गलत बात है। मॉम,
ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे लग रहा था कि मुझे बुरा लगा है, इसीलिए उसने सॉरी कहा था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बुरा नहीं लगा था, जो कि मैंने उसे बता दिया था। तो तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? और हाँ, मैंने तो तुम्हें फोन ला के दे दिया था ना, बात हो गई थी ना तुम्हारी। जरूरी एक बात नोट की तुमने, इस वक्त उसका मिजाज कैसा हो रहा है? बचपन में भी बिल्कुल इसी तरह हो जाता था इरिटेट, आज भी उसी तरह हो रहा है। भाई ये तो अभी भी मेरे लिए बच्चा ही है। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और माँ बाप के लिए वैसे भी औलाद जिंदगी में बच्चा ही तो रहती है। मॉम, इसने जानबूझकर फरी को जाना मेरा नंबर दिया था, ये आपका नंबर भी तो दे सकती थी। मॉम मैं बस चाहती थी कि भाई की और फरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तुम बस ये ख्वाब देखती रहना। आप कैसे भाई हैं? अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। एक मिनट। अपसेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं मना लूंगा उसे। Really, Dad? Of course, I will. आप समझाएंगे उसे? Definitely. और जबेरिया, आप फरी के घर जाएं, ये फरी को यहाँ पे बुलवाएं। लेकिन एक बात तय है कि फरी अब इस घर की बहू बनेगी। अरे बेटी को जरा सा सेट क्या देख लिया आपने? आपने तो फाइनल डिसीजन ही ले लिया। अच्छा बात सुन। I love you, Dad. I love you too. अब एक काम करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाके चेंज करो, हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। Oof, I'm so excited. मैं बस रेडी हो गया। हरी 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 हरी। ये क्या टाइम है दानिश पिज़्ज़ा खाने का? As simple. मैंने तो सारा का मूड ठीक करने के लिए कहा है, सब कुछ तुम दानियाल से भी पूछ लो। I don't think so कि दानी जाएगा। आपने सारा का मूड ठीक करने के लिए मेरे दानी का मूड ऑफ कर दिया है। मेरा मसला, मैं मना लूंगा दानियाल को। जी हाँ, मनाना तो आपको खूब आता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। कोई शक? कहाँ छुपाऊं मैं इस तावीज को? ये वाला तावीज तो मेरा है, तो इसे तो मुझे अपने कमरे में कहीं छुपाना पड़ेगा। कहाँ छुपाऊं? हाँ, यहाँ छुपाती हूँ इसे। सही है, तो हो गया। अब ये वाला तावीज है मीना का, हाँ, और ये वाला चुपकी का है, ये वाला है फरी का, सही है, तो होगा इनके। और ये वाला ना घर के दरवाजे पे टांगना है। मीना, मीना उठो। नीलम अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख लगी थी, क्यों जगा दिया मुझे? मीना मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। इतनी रात को तुम कुछ लेकर आई हो और तुम्हें मुझे दिखाना है? ये देखो तावीज। आहिस्ता, अम्मी सुन लेंगी। ओफो, क्या मुसीबत है तुम लोगों के साथ। बातें करनी तो ऊपर जाके बात करो, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। तुम तो चुप करो, सो जाओ वापस। क्या हो क्या तुम दोनों को? लड़ क्यों रही हो? तुम सो जाओ अच्छा आराम से। क्या मुसीबत है, रात के इस वक्त भी तुम लोगों को चैन नहीं है? इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता यहाँ, सारी नींद खराब कर दी मेरी। देखो इतनी जबान चलाओगी ना तो ये बच्चे कुछ नींद में उड़ जाएगी, सो जाओ। नीलम बस करो। अच्छा तुम सो जाओ, सो जाओ। कहाँ से आए? मीना मैं लेकर आई हूँ। क्यों नीलम? वो इसलिए कि सलमान के दिल से मेरी मोहब्बत चली जाए और वो दोबारा कभी रिश्ता ना भेजे। कितनी बेवकूफ हो तुम नीलम, इसकी वजह से कोई नई मुसीबत हमारे घर में आ गई ना तो अम्मी तुम्हें बताएंगी। नहीं नहीं, मैंने सारी मालूमात कर ली, कोई मुसीबत नहीं आएगी। और ये दूसरा तावीज तुम तीनों की शादी के लिए। नीलम तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? तुम सोई नहीं अभी तक? अम्मी वो भी जाग रही है क्या? नहीं अम्मा तो कब की सो गई। तो तुम क्यों जाग रही हो फिर? मैं अम्मा के पाँव दबा रही थी, फिर अम्मा सो गई।
किचन में गई थी मैं पानी पीने, तुम दोनों की बातों की आवाजें आ रही थी। क्या मशहूर है? तुम चुप करो अभी मीना, ये पकड़ो प्लीज, ये तुम अपने पास रख लो। नीलम तुम इसको अपने पास रखो, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना और मुझे सोना है, सुबह फैक्ट्री जानी है, इतना काम होता है। मीना वो मीना तुम मैं ये तुम हो मेरे साथ, इसको छोड़ो। पाँच चुपकी! अरे नीलम, अरे जल्दी आओ परी, जल्दी आओ। क्या हुआ है अम्मी, क्यों बुला रही हैं? अरे ये तो देखो, ये दरवाजे पे तावीज किसने लटका दिया? अरे कौन है ऐसा जो इस घर का बुरा चाहता है? अम्मा फिकर क्यों करियो, ये तावीज तो हम अभी उतार देते हैं। हाँ जल्दी से उतारो, पता नहीं कौन दुश्मन है जो मेरे घर तक पहुँच गया है। हाँ अम्मी आप फिक्र नहीं करें, जाए हम उतार देंगे इसे। हाँ हाँ जल्दी से उतारना। जी जी उतार। या अल्लाह मेरे घर की खैरियत करना, कि क्या हो गया, कौन घुस गया मेरे घर में, घर में घुस के तावीज लटका दिया। अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रहा है, मुझे किराया दे दें प्लीज। अरे अभी चंद दिन पहले तो तुम्हें 1,000 रुपया दिया था, सब खर्च कर दिया, उड़ा दिया सब। क्या मतलब अम्मी कहाँ गए, किराए में खर्च हो गए, और आपको तो पता है मैं फजूल खर्ची नहीं करती हूँ। घर में पता नहीं कौन दुश्मन मेरे पीछे लग गया है, मेरे घर में तावीज लगा रहे हैं। क्या हो गया अम्मी आपको, मुझे पहले ही देर हो गई और आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अम्मी ये ले, उतार दिया तावीज। लाओ लाओ। अम्मी आप इसे आराम से बाद में देख लीजिएगा, मुझे इस वक्त बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे किराया दे दें। अरे घर में इतनी बड़ी बात हो गई और इसको देखो, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, किराया दे दो, किराया दे दो, किराया दे दो, रट लगा रखी। ये लो। अच्छा अम्मी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसको तो आज मैं किसी मौलवी को दिखाती हूँ। अम्मा क्या जरूरत है किसी को दिखाने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं है? अरे पता तो चले कौन कर रहा है ये और किस इरादे से कर रहा है। अम्मा ये तावीज ना नीलम ने लटकाया है। तूने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? अम्मा मेरी बात तो छोड़ो, बताती हूँ ना। नहीं छोड़ूंगी मैं जब तक तू मुझे नहीं बताएगी। अम्मी छोड़ देना बेचारी को, छोड़ दे प्लीज। जल्दी बता वरना लगाती हूँ दो झापड़ तेरे। अम्मी बता रही हूँ ना, वो मैं ये तावीज ना अपनी बहनों की शादी के लिए लाई थी। या खुदा इस लड़की का क्या करूँ मैं। अम्मा मुझे तो तावीज में फेंक देती हूँ। इसे पानी में बहा दे। और नीलम तू अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, सॉरी अम्मी। मैंने कहा ना चली जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अम्मी वो मैं कह रही हूँ ना दोबारा कभी भी। जा चली जा मैं कह रही हूँ तुझसे, जा। शक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी, क्योंकि शक करने पर तुम ही मुझे मजबूर करते हो। देखो नजमा तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो मेरा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो। क्या बात है, परेशान दिख रहे हो। हाँ परेशान तो हूँ, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास कि तुम मुझे इस परेशानी का कोई हल बताओ। पहले मसला तो बताओ फिर हल बताऊंगा ना। यार मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। हाँ जानता हूँ। कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर इतना जरूर जानता हूँ कि बहुत खुददार और शरीफ लड़की है।
तो तुम्हारी अभी तक इससे बातचीत नहीं हुई, इसका मतलब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी दो बार मुलाकात हो चुकी है उससे। तुम्हारी दो बार मुलाकात हुई है और तुम उसका नाम तक नहीं जानते, तो ये दो मुलाकातें कहाँ हुई? इत्तफाकन दोनों बार मेरी गाड़ी में। वो तुम्हारी गाड़ी में बैठ चुकी है और तुमने उसका नाम तक नहीं पूछा? सही बताऊँ तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया नाम पूछने का। और सही बताऊँ तो अगर मैं पूछता भी ना तो वो ना बताती। एक तरफ तुम कह रहे हो कि वो एक बहुत ही खुददार और शरीफ लड़की है, दूसरी तरफ वो दो बार तुम्हारी गाड़ी में बैठ चुकी है। भाई ये कहाँ की शराफत है? बस यार मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। तो समझाओ ना। वो दो बार बहुत मजबूरी में मेरे साथ गाड़ी में बैठी है। एक बार जब फरमान शरीफ को गोली लगी थी और शहर के हालात खराब हो गए थे, और दूसरी बार तो इंतहाई मजबूरी में मिली थी क्योंकि उसका फोन मेरे पास था। फोन तुम्हारे पास था? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा था? मेरी गाड़ी में रह गया था। यार फिर तो आराम से नंबर निकाल सकते थे। हाँ पर इखलाकन ऐसा करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। यार मुझे ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यार तुम्हें और भाभी को उसके घर जाना होगा मेरा रिश्ता लेकर। यूसुफ यूसुफ तुम एक बार अपने इस फैसले पे गौर कर लो। यार मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है, शादी तो मैं उसी से ही करूंगा। यार तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी एक प्यारी सी बेटी है और बजाय तुम अपनी मैरिड लाइफ में खुश नजर आते हो। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यार मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात तुम्हारे से शेयर की। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। भाई 500 का लोड कर दे मेरे नंबर पे। जी बाजी एक मिनट अभी करता हूँ। ये नंबर बताए अपना। हाँ ये इस नंबर पे कर दे। जी कर दिया, लाए 500 रुपए। हाँ मैं दे रही हूँ। तनी मैंने 500 का नोट इसी में रखा था, कहाँ गया? अब भाई मैं आपको अभी घर से ला कर देती हूँ। बाजी ऐसे कहा होते, आपको तो मैं जानता हूँ, मोहल्ले में रहते, थोड़ी देर में कोशिश करके ला कर दे दो। ये लो 1000 रुपए, 500 रुपए काट लो। मंजूर तुम रहने दो, मैं अभी ला दूंगी थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में दे देना। अच्छा ठीक है, फिर याद से घर से आके ले जाना। ठीक है। ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना इसलिए। पक्का यही बात है? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती। ठीक है, ख्याल रखो अपना और वक्त पे सो जाना। चलो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है लाफिस। एक काम करो, 100 का इजी लोड मेरा भी कर दो और 400 रुपए वापस। लो पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप परेशान क्यों लग रही है? मीना आज नीलम ने दरवाजे पे तावीज लटकाया,
जावेद, ऐसा क्यों किया है नीलम ने? चुपकी, क्या बात है ये तावीज वाली, क्या हुआ है? वो तावीज तो हमने उतार दिया। अच्छा, क्या उतार दिया? नीलम भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अम्मी, वो जज्बाती लड़की है, जरूर उसको किसी ने वरगलाया होगा और वो किसी की बातों में आ गई होगी। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ उससे। तुम ठीक कह रही हो बीना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तुम उसको समझाओ ना, देखो ये सब तावीज गंडों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने तो तुम लोगों की तरबियत ऐसी नहीं की कि इस किस्म के कामों में वक्त जाया करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाती हूँ उसे, लेकिन अभी आप इन बातों को जाने दें। अरे जाने कैसे दूं, तावीज ला के लटकाया उसने, कोई बड़ी बात होगी तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या करती फिर रही है, तुम उसे समझाओ जाके। अरे चुपकी, तू बता ना, तुझे तो सब पता होता है, घर की पूरी खबर रखती है तू, बोल। वो अम्मा, अरे बता ना। इसलिए कि सलमान उसका पीछा छोड़ दे और सलमा खाला उसका दोबारा रिश्ता ना मांगे और हम सब की अच्छे घरों में शादियां हो जाए। अरे खुद तो वो शादी करना नहीं चाहती, तुम तीनों के लिए वो ये तावीज लाई होगी। वो क्या समझती है, मुझे तुम तीनों की फिक्र नहीं है क्या? जब से मीना की बारात रुकी है मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। अच्छा अम्मी, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी रही ये तावीज वाली बात, मैं समझाऊंगी नीलम को कि ये सारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा तो सर दर्द हो गया ये सारी बातें सुनकर। चुपके, मुझे एक कप चाय पिला दो। ठीक है मीना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। अम्मी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी आप? देख नीलम, अब तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा अगर तूने ऐसी कोई हरकत की ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सही है अम्मी, आप ना वाकई में दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। कोई काम है, किसी चीज की जरूरत है, बोलो। हाँ अम्मी, मुझे ना आपसे एक चीज की इजाजत चाहिए थी। अब तुझे किस चीज की इजाजत चाहिए? वो तावीज जब लटका रही थी तब तो तूने मुझसे इजाजत नहीं ली, बोल। वो अम्मी, मेरी ना कल शूटिंग है, तो क्या मैं मंजूर के साथ चली जाऊं? ऐ, बात तो ऐसे कर रही है जैसे कभी गई नहीं मंजूर के साथ। अम्मी वो आपने मीना के लिफ्ट लेने पर बहुत गुस्सा किया था ना, तो बस इसीलिए मैंने आपसे इजाजत ले ली। अरे उसको बरसों से जानते हैं हम, चली जाना। थैंक यू अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है।
तब मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम देखना भी गवारा ना करो। ऐसा मैंने कब कहा? तुम खुद ही ऐसी बातें सोचकर अपना दिमाग खराब करती हो। तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? ये लो, देख लिया मैंने। बताओ क्या बात है, क्यों इतना चिड़ी भी हो? भूख लग रही है मुझे, खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है कि मैं बेवकूफ सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार ही करती रहूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मेरी कोई परवाह है नहीं। तुम तो अपनी लाइफ में मगन हो और खूब इंजॉय कर रहे हो। मैंने अपने एक दोस्त के साथ खाना खा लिया था, तुम्हें भी खाना खा लेना चाहिए था। वैसे भी बहुत देर हो गई, जाके खाना खा लो। अगर दोस्त के साथ खाना खा ही लिया था तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक कॉल करके मुझे भी बता दे कि मैं पागल तुम्हारा इंतजार ना करूं। इसे किस दोस्त के साथ खाना खाया? सभी दोस्तों को तुम्हें जानती हूं, या फिर कोई नया दोस्त बनाया तुम? शक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी, क्योंकि शक करने पर तुम ही मुझे मजबूर करते हो। देखो नजमा, तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो। तुम खुद इंतजार करती हो, जब मैं घर आता तो एक तमाशा खड़ा कर देती हो। ठीक, अब नहीं करूंगी इंतजार। करना ऐसी गलती, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी शोहर की मोहब्बत को तरसती रहेगी। मैं जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आए नहीं। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, खाना मैंने भी नहीं खाया अभी तक। काफी देर इंतजार के बाद जब तुम नहीं आए तो मैंने सोचा नमाज पढ़ लूँ और शुक्राने की नफिल भी अदा कर लूँ। अम्मी, जब भूख लग रही थी तो खाना खा लेना चाहिए ना, गलत बात है। और शुक्राने की नफिल क्यों पढ़ रही थी, कोई खुशखबरी है क्या? अरे बेटा, शुक्राने के नफिल अदा करने के लिए किसी खुशखबरी की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। शुक्र करने से अल्लाह पाक इंसान को तरक्की की मंजिल तक ले जाता है। अरे वाह, बहुत अकलमंदी की बातें करने लगे हो, ये खुशगवार तब्दीली है मेरे बेटे में। क्या मतलब अम्मी? तो क्या मैं पहले बेवकूफ़ी की बातें करता था? खैर छोड़ो, तुम जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, मैं एक मिनट में आता हूँ। और रुको, सलमान जिम। बेटा, मुझे तुम्हें ये बताना था, हमारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए किरायेदार मिल गए हैं। अच्छा, लेकिन अरशद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे बेटा, अरशद नहीं लाया था वो किरायेदार, वो मेरी दोस्त है ना रजिया। हुँ? उसका शोहर भी यही काम करता है स्टेट एजेंसी का। मैंने उनसे कह दिया था कोई काबिल एतबार फैमिली हो तो बता देना। इत्तफाक से वो लोग रजिया के रिश्तेदार ही निकले। रजिया कह रही थी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे देखे भाले लोगे, तुम आराम से घर दे सकती हो। अच्छा, तो फिर विजिट करके चले गए? हाँ बेटा, दोपहर में आए थे, मैंने विजिट करा दिया। ज्यादा लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं है, माँ बेटी है और एक उनका बेटा है। उनके शौहर पाकिस्तान से बाहर जॉब करते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है, हमारी भी छोटी ही फैमिली है और वैसे भी हमें शोर शराबा पसंद नहीं है। अब तो मुँह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। प्लीज जल्दी से खाना लगाते, बहुत भूख लग रही है।
शगुफ्ता, बताओ ना क्या बात हुई है? तुम बहुत परेशान लग रही हो और मुंह पे बिल्कुल 12 बजे हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो। ये बात कहकर तुम अपने आप को मुतमईन कर सकती हो, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें आज नहीं मिली हूँ, या कोई हमारी दोस्ती को जुमा 8 दिन नहीं हुए। बचपन से जानते हम एक दूसरे को, बचपन से सहेलियां हैं हम, और तुम्हारा चेहरा देख के साफ मालूम हो रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है। चलो बताओ मुझे, जिस तरह तुम मेरी हर बात जान जाती हो ना, उसी तरह मैं तुम्हारा चेहरा देख कर भी पहचान जाती हूँ कि कोई परेशानी तो है। बताओ ना। क्या हो गया शगुफ्ता, प्लीज बोलो, क्या बात है यार? ये कैसी तुमने हवनकों वाली सूरत बनाई हुई है? मैं अम्मी को लेके बहुत परेशान हूँ। तुम जानती हो ना, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। शादी के बाद कौन रखेगा उनका ख्याल? शादी के बाद तो ससुराल में नहीं रह सकती ना वो मेरे साथ, और ना ही कोई चीज की इजाजत देगा, और मैं समझती हूँ इस चीज को। देखो मुद्दे की बात बताओ, ये सारी बातें ना मैं जानती हूँ तुम्हारी, तुम्हें इस तरह परेशान मैंने बहुत कम देखा है। असली वजह कोई और है, बताओ मुझे। कल मेरी आरिफ से अम्मी के सिलसिले में बात हुई थी। मैंने उनको बोला कि मैं शादी के बाद जॉब का सिलसिला जारी रखना चाहती हूँ, तो वो फौरन राजी हो गए। ये तो अच्छी बात है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं, जब मैंने उनको ये बोला कि मैं अपनी सारी सैलरी अपनी अम्मी को दूंगी, तो उन्होंने इस बात का कोई मजबूत जवाब नहीं दिया। क्या एक माँ का अपनी औलाद पर इतना भी हक नहीं होता कि वो उसकी कमाई रख सके? चलो मेरे बहन भाई होते या मेरे अब्बा जिंदा होते तो बात और थी, लेकिन मेरी अम्मी तो बिल्कुल ही। देखो तुम परेशान नहीं हो, अब आरिफ ने भी तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक दफा आरिफ से बात करो आराम से। अब कल जैसे तुमने अचानक से आरिफ से ये जिक्र छेड़ दिया, हो सकता है कि वो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। देखो कभी कभार इस तरह हो जाता है। मेरे ख्याल से तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने ही बहुत जल्दी नतीजा खस कर लिया। मैं आज जाकर तसल्ली से आरिफ से इस बारे में बात करूंगी। बिल्कुल, इधर आओ, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे फोन कर लेना ठीक है, अगर रात को दिल घबराए तुम्हारा। चाय खत्म हो गई? बेगम साहिबा, सब खैर तो है ना? बेगम साहिबा, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं आपकी पुरानी मुलाजिम, आपको तो पता है ना, आपको परेशान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता है ना क्या बात है? कुछ भी ठीक नहीं है साबरा। वही तो पूछ रही हूँ, क्या ठीक नहीं है? मैं खुद तो परेशान हुई, तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकती। तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रही हो ना? जी बेगम साहिबा। क्या उम्र है तुम्हारे दामाद की? जी भाई, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुमने बताया था कि तुम्हारे यहाँ बरादरी में शादी होती, बरादरी से बाहर लड़की देने का रिवाज नहीं, और जहां तक मुझे याद पड़ता है
तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारी बिरादरी में तुम्हारी बेटी की उम्र का कोई लड़का नहीं है, इसलिए तुम उसकी शादी नहीं कर पा रही हो। तो फिर ये अचानक कहाँ से आया ये रिश्ता? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, मैं अपने हुस्ना के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ, लेकिन जी अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम। मेरे दूर परे के रिश्तेदार हैं, उनका बेटा है जी, बस मेरी बेटी से कोई 3 साल छोटा है। वो तो शुक्र है जी कि उन्होंने रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी है। मत करना ऐसी गलती, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी शोहर की मोहब्बत को तरसती रहेगी और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। कि क्या मतलब बेगम साहबा, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ साबर, अब तुम्हारे साहब को मेरी बढ़ती उम्र दिखाई देने लगी, कुछ कहा है क्या साहब जी ने? कभी कभी कुछ कहने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, रवैये सब कुछ बता देते। और मुझे यूसुफ के रवैये ने सब कुछ बता दिया। कुछ हुआ है क्या? साबर, तुम्हारा साहब किसी और लड़की को पसंद करता, देखिए मैं चाय तभी पीऊंगा जब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि वो पहले से शादीशुदा ना हो। अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? आंटी ने मुझे वापस घर भी ड्रॉप करवाया। क्या तुम गाड़ी में आई हो? दानियाल के साथ। दानियाल? कौन दानियाल?